नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का कुमार क्लासेस पर। और ये आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है, जिसके माध्यम से आज से मैं बिहार राज्य विशेष प्रारंभ कर रहा हूं। ये एक वीडियो की सीरीज होगी जिसमें क्रमबद्ध तरीके से पूरा बिहार राज्य विशेष मैं आप सभी का कंप्लीट करवा दूंगा। आप सबको पता है कि 8 मई जो है बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की डेट फिक्स हो चुकी है, और ये आपका एग्जाम होने से पहले पहले तक आपका पूरा बिहार राज्य विशेष यहां पर कंप्लीट करवा दूंगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि बिहार राज्य विशेष करंट अफेयर बेसिक अगर सब जोड़ दे तो लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके यहां से पूछे जाते रहे, और इस 30 से 35 प्रश्न के लिए आपको अब किसी अन्य स्रोतों पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा का पूरा मैं यहां पर कंप्लीट करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले पहले तक। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर आप सभी लोग क्या कर लीजिएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप सभी को रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो पूरा संपूर्णता के साथ यहां पर बिहार राज्य विशेष कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। बिहार राज्य विशेष में देखें तो आपको बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का राज व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार के जो महत्वपूर्ण यहाँ पर कल्चर है ना, यहाँ के जो विभिन्न प्रकार के मंदिर है, पर्यटन वाला जो क्षेत्र हो जाता है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो जाता है, ये सारी चीज आपको करनी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो बिहार के आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसी से बिहार राज्य विशेष को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम आज करने वाले हैं बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आइए सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। आप सबको पता होगा कि आधुनिक इतिहास जो है इसको मैं 4 खंडों में विभाजित करके पढ़ाता हूं। सबसे पहला खंड यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि किस तरीके से यूरोपीय कंपनियां भारतीय क्षेत्रों में आती है, हम यहां पर बिहार के संदर्भ में देखने वाले हैं। तो किस तरीके से यूरोपीय कंपनियां आती हैं, अपनी प्रारंभिक दौर में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां कहां पर स्थापित करती है, किस चीज में सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसकी रहती है। फिर प्रारंभिक दौर में तो हमने देखा था कि जो पुर्तगाली कंपनी है प्रारंभ में आती है और लगभग 100 वर्षों तक इसका व्यापारिक एक अधिकार रहता है, मजा जाता है इसको, है ना, 60 गुने की लाभ की प्राप्ति ये कर रही थी। लेकिन जब धीरे धीरे अन्य यूरोपीय कंपनियां भी भारतीय क्षेत्रों में आने लग जाती है तो अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा, और ये यूरोपीय कंपनियां अपने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए आपस में लड़ना प्रारंभ करेगी। और इसी दौरान आपको सबको पता है, आप सबको, कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में, जिसको आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। 3 युद्ध हुआ और इन 3 युद्धों के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी जो है भारतीय क्षेत्रों में सर्वोच्च सिद्ध हो जाती। इसी कर्नाटक युद्ध के दौरान भारतीय शासकों की कमजोरियां इन दोनों कंपनी को पता चल जाती। इन्होंने देख रखा था, सुन रखा था कि भैया भारतीय शासकों के पास लाखों में सेना है, लेकिन इनको यह नहीं पता था कि यह सेना जो है बस खोखली प्रकार की है, देखने में संख्या लेकिन इनके पास सैन्य कुशलता है नहीं। साथ ही साथ भारतीय शासक जो है इसके अपने अधिकारी और प्रजा जो है खुद भारतीय शासक से संतुष्ट नहीं है, षड्यंत्र चल रहा है। और इन सब के बारे में जब इनको पता चलता है तो अब अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों ही यहां पर मन बना लेते हैं कि भारत में हमें व्यापारिक कंपनी नहीं रहना है, यहां पर अपने साम्राज्य की स्थापना भी करना है। तो जब यूरोपीय कंपनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है आपकी अंग्रेजी कंपनी, उसके पश्चात ये भारतीय शासकों को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा, और फिर इस तरीके से ये व्यापारिक कंपनी एक शासक के रूप में स्थापित हो जाएगी, और उसके पश्चात धीरे धीरे अपने साम्राज्य का ये विस्तार भी करेंगे। तो दूसरा टॉपिक हमारा हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार। चूंकि ब्रिटिश कंपनी पहले व्यापारी कंपनी थी, लेकिन अब व्यापारी कंपनी के साथ साथ भारत का अब शासक भी ये बन बैठी है। क्योंकि व्यापारी कंपनी है तो ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जन करने हेतु इसके द्वारा बहुत सारी नीतियां लाई जाएगी, और इन नीतियों के कारण भारतीय जितने भी वर्ग थे ये सभी के सभी यहां पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, सबके सब यहां पर क्या होंगे, शोषित होंगे। तो तीसरे टॉपिक के रूप में हम करते हैं ब्रिटिश नीतियां एवं उनके प्रभाव, और इन्हीं प्रभावों के कारण क्या होगा, तो भारत के जितने भी वर्ग होंगे, चाहे मजदूर वर्ग हो, कृषक वर्ग हो, व्यापारिक वर्ग हो,
है ना, चाहे यहां तक कि आपके शासक वर्गो सब के सब इनके नीतियों से प्रभावित होते हैं, है ना, इनका शोषण होता है। परिणामतः अब भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिक्रिया दिखाई जाएगी, है ना। तो भारतीय प्रतिक्रिया किस रूप में, विभिन्न प्रकार के विद्रोह एवं आंदोलन के रूप में दिखाई जाएगी। और इस तरीके से पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को या आधुनिक बिहार के इतिहास को हम चार खंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहला खंड यहां पर देखने का प्रयास करते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना। तो देखिएगा हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना। लेकिन थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम भारत के संदर्भ में देख ले कि भारत में क्या इसकी क्रमबद्धता रहती है ना। तो देखिएगा अगर हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात कर ले, आप सबको पता है कि सबसे पहले कौन आएंगे, तो सबसे पहले यहां पर पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगालियों में देखे तो सबसे पहला व्यक्ति वास्को डिगामा था, जो 20 मई 1498 को जो कालीकट है, कालीकट में पहुंचता है, जहां पर एक बंदरगाह था, बंदरगाह का नाम था कपकडाबू बंदरगाह, है ना। वहां का जो क्षेत्रीय शासन प्रशासन देख रेख जिसकी जिम्मेदारी में था वो व्यक्ति था यहां पर जमोरिन, और जमोरिन के द्वारा बड़े स्तर पर यहां पर स्वागत किया जाता है ना। और जब यहां से वास्को डिगामा यहां से वस्तुओं को खरीदकर पुर्तगाल पहुंचता है, तो आने जाने रहने खाने पीने सभी के खर्चों को हटा दें, तो सभी खर्चों को हटाने के पश्चात इसको 60 गुना की लाभ की प्राप्ति होती। अब इससे राजा बहुत खुश हुआ, पीठ थपथपाया, और अब यहां से लगातार यहां पर व्यापार होते चला गया। जब दूसरी बार यहां पर वास्को डिगामा आएगा 1502 में, और अब इनको भारतीय क्षेत्रों से व्यापार वर्ज्य करने, तो भारत में एक ऐसा सेंटर स्थापित करेंगे जहां पर विभिन्न क्षेत्रों से वस्तुओं को खरीदकर वहां पर इकट्ठा स्टोर कर सके, और वहां से फिर नावों के माध्यम से उसको लादकर पुर्तगाल लेकर चले जाए। इसलिए जब वास्को डिगामा दूसरी बार 1502 में आएगा, 1503 में यह भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करेगा, कहां, कोचीन में। ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब पुर्तगाली लगभग 100 वर्षों तक भारतीय क्षेत्रों के साथ व्यापारी एकाधिकार में रहते, इनको मजा आ रहा था। लेकिन आप देखिएगा जब 5 पड़ोसी हो, एक का डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी होते रहा, है ना। अब मान लीजिए 5 पड़ोसी हो, पांचों ने झोपड़े में रहना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें से एक झोपड़ा जो है बहुत जल्दी झोपड़े से छत बन गया, है ना। आपका 1 फ्लोर 2 फ्लोर 5 फ्लोर बन गया, फ्लोर के साथ साथ आगे टाइल्स वाइल्स सब लगे एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना, संगमरमर लगाकर उसको बना दिया, आगे लंबर्गनी, है ना, मर्सिडीज, ये सारी चीजें खड़ा कर दी, और बाकी चारों के यहां पर झोपड़ी के झोपड़ी है। अब चारों को सबसे ज्यादा टेंशन यहां पर होने लग जाएगा कि भैया इसके पास कौन सा खजाना मिला हुआ है कि इससे इतना तेजी से डेवलप कर रहे हैं। और वो जो 4 पड़ोसी है ना, अपने बच्चों को क्या करेंगे, डांटेंगे कि देख तो नहीं सके का करता रहता, देखता समनवा अलावा बगलवा अलावा कितना जल्दी से यहां पर डेवलपमेंट करता है ना, तुनियों के पता लगाओ सन की का कर रहा अलबा, है ना। तो वो भी क्या करेंगे, अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, देखो वो क्या कर रहा है, तुम भी तो उससे कुछ सीखो। और सीखने के क्रम में अन्य यूरोपीय कंपनियां भी सोचेगी कि चलो भैया पुर्तगालियों को जिस कुबेर का खजाना प्राप्त हुआ है उसमें हम भी हाथ डाल ले। और हाथ डालने के लिए, है ना, अगली ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हो जाती है 1600 ईस्वी में। लेकिन इनसे पहले भले ही डचों की बात करें, 1602 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है, लेकिन आगमन के क्रम में देखें तो अंग्रेजों से पहले आपके यहां पर डच ही आ जाते हैं, है ना। तो भारत में दूसरे क्रम पर अगर फैक्ट्री की स्थापना के क्रम देखें तो पुर्तगालियों के पश्चात अंग्रेजों की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, लेकिन पहुंचेंगे ये भारत में 1608 में। लेकिन इनसे पहले डच यहां पर आ जाते हैं, है ना, और ये अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में, है ना, मसूलीपट्टनम में स्थापित करेंगे। उसके पश्चात दौड़ते दौड़ते ही चलो भैया डचवा जो है हमसे पहले पहुंच गया, हमसे पहले पहुंच गया, और ये भी दौड़ते दौड़ते ब्रिटेन जो है कब, तो 1608 में भारतीय क्षेत्रों में पहुंचेंगे, है ना। और पहली फैक्ट्री जो इनकी स्थापित होगी, सबसे पहले तो ये सूरत में जाएंगे, है ना, जो आपका अकबर था, अकबर के नाम से चिट्ठी लिखवाकर वहां के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उनके नामों से, उनके द्वारा अकबर के नाम से चिट्ठी लिखवाकर लाया जाता है। लेकिन इस समय देखा जाए तो अब अकबर यहां पर शासक रहा नहीं, है ना। तो यहां आने के पश्चात भारतीय शासक से 1608 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगेंगे, ये अनुमति दे भी दी जाएगी। लेकिन पुर्तगालियों को टेंशन होने लग गया कि भैया एक तो डच पहले से ही, अंग्रेज और भी खतरनाक है, अगर यहां पर रह गए तो फिर हमारी दाल यहां पर गलेगी नहीं। परिणामतः इन्होंने क्या किया, षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र करके जो इसकी अनुमति मिली थी, अनुमति को रद्द करवा दिया,
तब तक अंग्रेज जो थे 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में जाकर अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर लेते हैं, है ना। और उसके पश्चात ये 1608 में जो प्रारंभ हुआ था बनना, है ना, बीच में रोक लगा दी गई, अंततः 1613 में सूरत की फैक्ट्री कंप्लीट हो जाती है। तो पहली फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम में और दूसरी फैक्ट्री जो है इनकी, है ना, ये अस्थायी फैक्ट्री यहां पर सूरत में स्थापित होती है। उसके पश्चात डेनिसो की बात करें तो डेनिसो ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी में ट्रावणकोर में लगाया, और फ्रांसिसियो की बात करें तो इन्होंने प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगाया। तो भारत के संदर्भ में ये आपके कुछ डेटा है, यहां से बार बार आपके प्रश्न पूछे जाते रहे। अब ये बात करते हैं बिहार के विशेष संदर्भ में। बिहार में, भारत में तो कंपनियां पहुंच गई, लेकिन बिहार इससे कितना दिन तक अछूता रहेगा, नहीं रहेगा ना, धीरे धीरे ये बिहार में भी पहुंचेंगे। और आइए बिहार की हम बात करते हैं कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरीके से होता है। अब देखिएगा, भारतीय क्षेत्रों में सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले बिहार में भी पुर्तगाली ही आएंगे, और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बिहार में इनका आगमन प्रारंभ हो जाता है। बिहार में सबसे पहले यहां पर भी पुर्तगाली ही आएंगे, और ये आएंगे तो देखिएगा, ये अपनी फैक्ट्री जो है बिहार में स्थापित नहीं करेंगे, हुगली जो है, हुगली में ये लोग अपनी फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। और हुगली से ही ये नावों के माध्यम से, चूंकि आप सबको पता है कि गंगा नदी के माध्यम से हुगली आपकी जुड़ी हुई है ना, इधर पटना उधर हुगली, ठीक है। तो इस हुगली से ही ये नावों के माध्यम से बिहार आया करते थे और व्यापार वाणिज्य करते थे, है ना। तो नावों के माध्यम से ये पटना पहुंचते थे। जब ये पटना आते थे व्यापार वाणिज्य करने के लिए, तो अपने साथ मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीजें लेकर आते थे, और बदले में बिहार के क्षेत्रों से सूती वस्त्र और अन्य प्रकार की जो वस्त्र थी, इसको ये लोग खरीद कर यहां से लेकर जाते थे। तो पुर्तगालियों का देखें तो विशेष यहां पर इनके व्यापार से संबंधित देखा जाए तो विशेष कहानी यहां पर नहीं, कहानी प्रारंभ होगी आगे से डचों से। देखिएगा, अगर हम डचों की बात करें तो डच, अगर हम बिहार में देखें सबसे पहले फैक्ट्री कहां स्थापित करते हैं, तो 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत था, इस उत्तरी इमारत में ये अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। कब? 1632 ईस्वी में। तो अगर प्रश्न पूछ दे कि बिहार में सबसे पहले किसके द्वारा फैक्ट्री की स्थापना की गई, तो वो डचों के द्वारा, क्योंकि पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया नहीं, है ना। सबसे पहले कौन करते हैं? डच करते हैं। कब? 1632 में पटना के उत्तरी इमारत में। 17वीं शताब्दी का मध्य आते आते ये बिहार के अनेक क्षेत्रों में शोरे का गोदाम स्थापित कर लेंगे, और आप सबको पता होगा कि डचों की अभिरुचि किसमें थी, तो सबसे पहले तो भैया शोरा। शोरा क्या है? ये एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री होता है जिसका प्रयोग गोला बारूद बनाने में करते, और जब यूरोपीय कंपनियों में संघर्ष होगा, है ना, तो अब इसकी सबसे ज्यादा इनको आवश्यकता होगी, और जितनी भी कंपनियां बिहार वाले क्षेत्र में आएगी सबके द्वारा प्रयास ये किया जाएगा कि भैया शोरे का व्यापार जो है इसका एकाधिकार हमारे पास रहे, और डच इस पर एकाधिकार करते भी हैं। तो इनकी जो मुख्य अभिरुचि थी शोरे में, साथ ही साथ सूती वस्त्र, चीनी, अफीम, इन सभी में इनकी यहां पर विशेष अभिरुचि रहती है, ठीक है। और 17वीं शताब्दी का मध्य आते आते ये बिहार के कई विभिन्न क्षेत्रों में अपनी माल गोदामों की स्थापना भी कर लेते हैं। उसके पश्चात देखिएगा, अब अंग्रेज इससे डरते थे, है ना। मैंने भारत के इतिहास में आप सभी को पढ़ाया है कि डचों की विशेषता यह रहती है कि ये भारतीय लोगों के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते थे, और इसके माध्यम से अपना व्यापार वाणिज्य करते थे, भारतीय लोगों को प्रेरित करते थे कि भैया आप यहां पर, है ना, फैक्ट्री की स्थापना कीजिए, उत्पादन कीजिए, वस्तु बेचने की जिम्मेदारी हमारी है, अगर आपके पास पैसे नहीं है फैक्ट्री स्थापित करने के लिए तो आप हमसे लोन के रूप में पैसे ले लीजिए, है ना। और भारतीय शासकों के पास कई सारे धनवान यहां पर लोग थे, भारतीय इनके पास धन था लेकिन प्रयोग नहीं करते थे, तो ये इन्होंने कहा कि भैया वो धन जो है हमें लोन पर दे दीजिए। तो ये भारतीयों के साथ लोन लेते भी थे, लोन देते भी थे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से भारतीय क्षेत्रों में ये व्यापार वाणिज्य करते थे। इससे अंग्रेज जलने लग गए थे कि भैया अगर ऐसे रहा, क्योंकि लोगों में लोकप्रिय हो गए थे डच जो है, लोगों में लोकप्रिय हो गए थे, और अंग्रेजों के मन में अब जलन प्रारंभ हो चुकी थी, और ये चाहते थे कि हम किस तरीके से डचों को नियंत्रित करें। लेकिन इसी के बीच में 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होगा, और प्लासी के युद्ध में आप सबको पता होगा अंग्रेजों की विजय होगी, और इस तरीके से अब धीरे धीरे जब अंग्रेजों का विजय हो जाएगा तो यहां पर डच क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, डचों की यहां पर स्थिति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अब ये जो डच है बिहार से शोरे की प्राप्ति करते थे, एकाधिकार इन्होंने प्राप्त कर रखा था, लेकिन प्लासी विजय के पश्चात हुआ क्या, 1758 में अंग्रेजों ने जो बिहार में
शोरे का व्यापार था, इसका एक अधिकार प्राप्त कर लिया। पहले ये डचों के पास था लेकिन अब अंग्रेजों के पास आ गया, इससे डचों की स्थिति और भी यहां पर कमजोर होते चली गई। और अंततः देखें नवंबर 1759 में एक युद्ध होता है जिसे बेदरा का युद्ध कहा जाता है, और इस बेदरा के युद्ध में डचों की पराजय होगी और इसके साथ ही धीरे धीरे इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में ये सिमट के यहां पर रह जाते है ना, जैसे कि कासिम बाजार हो गया, पटना हो गया, इन दोनों जगहों के जो माल गोदाम है इसको अंततः किसी तरीके से बचा पाने में ये सफल होते हैं। लेकिन अंततः देखिए 1824-25 में अंतिम रूप से इनके जितने भी ठिकाने थे उन सभी ठिकानों को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस तरीके से डचों की अस्तित्व जो है पूर्ण रूप से यहां पर समाप्त हो जाती है। तो बिहार के विशेष संदर्भ में ये आपकी इतनी कहानी थी, ध्यान रखिएगा यहां से आने वाले सभी के सभी प्रश्न आपके यहां से मिल जाएंगे। डचों के पश्चात देखें तो अब है ना, अब यहां पर आएंगे ब्रिटिश कंपनी, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए लेकिन इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं किए, उसके पश्चात डच आए जो 1632 में अपनी फैक्ट्री की स्थापना किए। अब ब्रिटिश कंपनी जो है ये भी बिहार क्षेत्र में आएगी, किस लिए? शोरे के लिए, है ना। तो देखिएगा ब्रिटिश कंपनी की बात करें ये बिहार में आते हैं और 1651 ईस्वी में प्रयास थे 1620 से ही कर दिए थे कि बिहार में आप अपनी फैक्ट्री की स्थापना करें, लेकिन सफल नहीं हुए। ये सफलता अंततः 1651 में मिलती है, पटना का जो गुलजार बाग है यहां पर ये अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर पाने में सफल रहते हैं। और यहीं पर 1664 में जॉब चारनाक, कौन नहीं जानता इसके बारे में, है ना। तो जॉब चारनाक जो है 1664 में इस फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। उसके पश्चात देखिएगा हुआ क्या, कांड जबरदस्त जबरदस्त यहां पर होता है। बिहार का जो सूबेदार है शाइस्ता खान, इसने क्या किया कि अंग्रेजी कंपनी का जो व्यापार है इस पर 1680 ईस्वी में 3.5% टैक्स लगा देता है। इससे पहले क्या था देखिएगा, 1651 में इन्होंने अंग्रेजों ने मात्र 3000 रुपए में बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सभी क्षेत्रों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त किया था कि भैया हम यहां पर व्यापार करेंगे, है ना। यानी कि 3000 रुपए दिए और फ्री में यहां पर व्यापार वर्ज्य करते थे 1651 में। लेकिन जब औरंगजेब यहां पर शासक बनता है ना, तो देखता है भैया अंग्रेज है ना 51 में लिए, है ना, अभी भी इनका प्रयास यही है कि हम 3000 रुपए ही देते रहे और पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सभी क्षेत्रों में फ्री में हम व्यापार करते रहे। औरंगजेब ने कहा कि बेटा ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा, तुम लोग है ना ये लगभग 26 वर्षों में तुम लोगों ने अपना जो यहां पर जो तुम्हारा व्यापार है इसको कई गुना ज्यादा बढ़ा लिए, लेकिन टैक्स तुम लोग उतना ही देने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। और इसके द्वारा औरंगजेब के द्वारा क्या कर दिया गया, 1680 में एक विशेष अधिकार पारित किया जाता है और इसके माध्यम से इसने कहा कि भैया जितने भी अंग्रेजी व्यापार होगा इस पर जितने भी वस्तु होगा उस पर 2% टैक्स और 1.5% जजिया कर देना पड़ेगा, अर्थात 3.5%। और इसी को शाइस्ता खान ने भी क्या कर दिया, बिहार वाले क्षेत्र में 3.5% टैक्स आरोपित कर दिया कि भैया आपको जितना भी अब नहीं रहा कि 3000 रुपए आप दे दो और व्यापार वाणिज्य अपना फ्री में करते रहो, ऐसा अब संभव नहीं है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक वस्तु पर 3.5% टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेजों को तो पहले से मजा रहा था कि 3000 रुपए दे दो, उसके बाद से कुछ करना ही नहीं, आराम से व्यापार वाणिज्य करो, लेकिन जब 3.5% ये टैक्स देते चले गए ना, अब इनको मजा नहीं आया। और ये जो चारनाक था, जॉब चारनाक, इसको अच्छा नहीं लगा और जब इसको घुटन से फील होने लग गई, अंततः इसने क्या किया, 1686 में हुगली शहर को लूट लिया। 1686 में हुगली शहर को लूट लिया। अब औरंगजेब ने बोला कि बेटा ऐसे काम तोड़ना चलेगा। औरंगजेब ने इतना जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों को कूटा कि सब फुलटा द्वीप पर भाग गए। और बिहार में देखे, बिहार में जो शाइस्ता खां है इसने भी बंगाल, बिहार के क्षेत्र के जितने भी ब्रिटिश संपत्ति था सभी को जब्त करने का यह आदेश दे देता है ना। लेकिन फिर देखें तो 1690 में एक समझौता होता है ना। 1687 में तो है ना औरंगजेब को अंग्रेज मिला लेते हैं, है ना, मना लेते हैं, पैर वैर पर हाथ पैर सब गिरते हैं कि मालिक हमसे गलती हो गई, हमें समझ में नहीं आया, हमारे जो अधिकारी हैं इनको समझ में नहीं आया कि यहां पर क्या करना चाहिए, हमें माफ कर दीजिए, और पैरों पर लंबोत गिर पड़ा। और इस तरीके से क्या हुआ, तो समझौता हुआ और इस समझौते के तहत पुनः इनको व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी जाती। उसके पश्चात क्या होगा, आगे जब फर्रुखसियर आएगा तो फर्रुखसियर के शासनकाल में भी 1713 ईस्वी में पटना की फैक्ट्री बंद कर दी जाती है। क्योंकि अंग्रेज जो बात कहते थे ना, जो समझौता करते थे, जो संधि करते थे, इसको मानते ही नहीं थे, है ना। बस राजा को जैसे भोजपुरी में कहते हैं ना भुतलाना,
है ना, हिंदी में कहते फुसलाना, तो फुसलाने के लिए समझौता कर लेते थे लेकिन करते थे अपने मन का ही, इसलिए फर्रुख शेर जब आया तो इसने क्या किया 1713 में पटना फैक्ट्री को इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन आप सबको पता होगा अंग्रेजों ने सुनहरे फरमान का प्रयास प्रारंभ किया और 1717 में फर्रुख शेर के द्वारा अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया, है ना, सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया। और सुनहरा फरमान था क्या, मैंने भारत के इतिहास में आप सभी को बताया था, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसे मैंने नाम दिया था फास्टैग। फास्टैग क्या होता है, गाड़ी में आपने देखा होगा कि जहां पर भी टोल टैक्स वसूला जाता है वहां पर पहले बहुत लंबी लाइनें रहा करती थी, वहां पर है ना भैया गाड़ी कौन सी है, उसके पश्चात इसका यहाँ पर भाड़ा कितना हो जाएगा, जो यहाँ से जा रही है तो रोड काम भाड़ा कितना लेंगे, है ना, फिर पैसे काटते थे रिटर्न करते थे, इस तरीके से लंबी लाइनें लग जाती थी। लेकिन अब क्या है, फास्टैग है, वहां पर स्कैनर लगा हुआ है और हमने क्या लगा रखा है यहाँ पर, तो बारकोड गाड़ी के आगे लगा रखा है, उससे हमारा अकाउंट जुड़ा हुआ है, हमने उसमें रिचार्ज कर दिया और जैसे ही अपनी गाड़ी को वहां पर लेकर जाएंगे वो ऑटोमेटिक उसमें से जो उसका जितना भी टैक्स होगा टोल टैक्स उतना डिडक्ट हो जाएगा और 2 से 3 सेकंड में हम वहां से पार हो जाएंगे, इसलिए अब लाइनें नहीं लगानी पड़ती है। अंग्रेजों को भी व्यापार वर्ज्य करने में यही करना पड़ता था कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, चेकिंग करवाना पड़ता था। अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान पहला गोलकुंडा के सुल्तान से उन्होंने लिया था और इससे क्या होता था कि ये जो इनका फास्टैग मिल जाता था इसको ये अपनी गाड़ी के आगे लगा देते थे, कहीं भी चेकिंग करने की आवश्यकता थी नहीं। और इधर हम देखें तो फर्रुख शेर से 1717 में ये सुनहरा फरमान प्राप्त कर लेते हैं और फास्टैग गाड़ी में लगा लिए, अब कहीं भी इनको कहीं भी रुकने की आवश्यकता ही नहीं, जहां भी दिखता था कि भैया फास्टैग वाली गाड़ी है बिना चेकिंग के दरवाजा खोल दिया जाता था। अब भारतीय व्यापारी लोग थे या अन्य व्यापारी लोग थे, इनको तो भैया धूप हो या वर्षा हो सब में क्या करना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी। अब इन्होंने देखा भैया अंग्रेजों को क्या ऐसा प्राप्त हो गया, है ना, तो अंग्रेजों ने बोला भैया फास्टैग है क्या तुम लोगों को भी चाहिए, और इन लोगों ने क्या किया अंग्रेजों ने तो इसका दुरुपयोग भी करने लगा, एक तो खुद टैक्स नहीं दे रहे हैं और भारतीय व्यापारी और अन्य व्यापारी को भी ये पैसे से बेच दे रहे कि लो भैया फास्टैग ले लो अपने गाड़ी के आगे लगा लेना, कहीं पर भी चेकिंग नहीं होगी। इससे क्या होगा, तो इससे धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, अब इनकम इनकी कम होने लग जाएगी। तो ये गोलकुंडा का सुल्तान जो था ना वहीं से ये काम प्रारंभ हुआ था और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, तो यहां पर इसका है ना क्या कर दिया जाएगा, आगे हम देखेंगे जब प्लासी का युद्ध होगा, है ना, प्लासी का युद्ध होगा, सिराजुद्दौला के द्वारा इसका दुरुपयोग करना यह बंद करवाया जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे वहां पर। अभी फिलहाल देखिएगा यहां पूरी कहानी क्या है। तो फर्रुख शेर के शासनकाल में क्या हुआ, तो 1717 में अब सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ, परिणामतः बंगाल बिहार उड़ीसा इन सभी के क्षेत्र में इनको व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, अब इनको मजा आने लग जाएगा और सुनहरा फरमान के माध्यम से इनकी इनकम बढ़ेगी, इस इनकम का प्रयोग ये लोग अपनी सेना को मजबूत करने में लगाएंगे और फिर जब मजबूती प्राप्त होगी तो भारतीय शासकों को ही नियंत्रित कर लेंगे, ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा नवाब अली वर्दी खान जो है इसके समय में 1750 में पुनः फैक्ट्री बंद कर दी गई, लेकिन हॉलविल फिर से यहां पर गया कि फिर से मालिक हमसे गलती हो गई अब ऐसा नहीं होगा, परिणामतः 1755 में फिर से इस फैक्ट्री को यहां पर खोल दिया जाता है। लेकिन अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब बार बार शासक जो है हमारे ऊपर टैक्स लाद दे रहे हैं, हमारे जब मर्जी तब हमारी फैक्ट्री को बंद कर दे रहे हैं, अब क्या करना चाहिए, हमें यहाँ का शासन प्रशासन ही अपने हाथों में लेना चाहिए। और इसी के परिणाम स्वरूप 1757 में एक युद्ध होती है, प्लासी का युद्ध, जिसे षड्यंत्र के माध्यम से अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और फिर प्लासी के पश्चात 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें भारत के 3 बड़ी ताकत, एक तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उसके पश्चात अवध के नवाब शुजाउद्दौला और इधर से बंगाल वाले क्षेत्र से भागा हुआ शासक मीर कासिम, इन तीनों को एक साथ अंग्रेजों ने पराजित किया बक्सर के युद्ध में। और इस युद्ध के माध्यम से है ना जो अंग्रेजी पहले व्यापारी कंपनी थी अब क्या हो गई, ये शासक बन बैठते हैं। और इस युद्ध में पराजय के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा इन सभी की दीवानी इनको प्राप्त हो जाती है। इससे क्या होगा, अब इनकी इनकम यहां पर बढ़ने लग जाएगी और फिर भारतीय संसाधनों का दोहन यहां पर प्रारंभ हो जाएगा। तो आशा करता हूं ब्रिटिश कंपनी से संबंधित सारी चीजें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन सबका पीडीएफ जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, उसको क्या कीजिए, उसको आप लोग वहां पर उससे जुड़ जाइए और जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ होगी आप सभी को वहां पर मिलेगा, है ना। टेलीग्राम कौन सा, बीपीएससी, बीपीएससी टेलीग्राम जो है यहां पर क्या होगा, सारे के सारे पीडीएफ आप सभी को प्राप्त होंगे।
ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा अंग्रेजों के पश्चात बिहार में फ्रांसीसी आएंगे और ये 1734 में पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। इनकी भी मुख्य दिलचस्पी कहां रहेगी, वही शौर्य की प्राप्ति, कि भैया हमें भी तो अपनी ताकत बढ़ाना है, गोला बारूद हमें भी यहां पर बनाना है, इसलिए इनकी भी मुख्य दिलचस्पी रहेगी शौर्य की प्राप्ति में। और अब ये फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों का देखा जाए तो एक ही उद्देश्य है, अपना साम्राज्य स्थापित करना है। और जब दो लोगों का एक ही जैसा विचार आ जाए तो संघर्ष तो यहां पर लाजमी है, और इसी कारण से फ्रांसीसी और अंग्रेजों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इनका संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ इसी को आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष या फिर इसी को कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनी दोनों में कर्नाटक युद्ध होंगे, और इस युद्धों की संख्या आप सभी को पता है 3 युद्ध होंगे। और इस 3 युद्धों में प्रारंभिक जो पहला युद्ध होता है इसमें फ्रांसीसी मजबूत रहते हैं डुप्ले के नेतृत्व में, दूसरे में भी जब तक डुप्ले रहता है तब तक एकदम मजबूत रहते हैं, लेकिन अब फ्रांसीसी सरकार डुप्ले से तंग आ गई थी, परिणामतः उसको वापस बुला ली, और जैसे ही ये वापस बुलाई फ्रांसीसियों की शक्ति यहां पर है ना सीधे अपोजिट हो जाती है अंग्रेज, है ना। दूसरा युद्ध जो था प्रारंभिक दौर में फ्रांसीसी मजबूत थे, लेकिन जैसे ही डुप्ले वापस जाता है अब अंग्रेज यहां पर मजबूत हो जाते हैं और अंततः फ्रांसीसियों की पराजय होती है। और फिर तीसरा युद्ध जो होगा ना इसमें क्या होगा, फाइनल रूप से फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, और इसी के माध्यम से अब अंग्रेजी कंपनी जो है फ्रांसीसियों पर हावी हो जाती है। ठीक है, तो जब प्लासी विजय हुआ, प्लासी विजय के पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसियों का जो पटना का माल गोदाम था इन सबको अपने कब्जे में ले लिया, और लगभग 1814 तक फ्रांसीसियों की गतिविधियां जो है कुछ ही क्षेत्रों में सिमट के रह जाती है। और देखिएगा इनके बीच में जो संधि होती है उस संधि के माध्यम से ये बातें कही जाती है कि हे फ्रांसीसी तुम व्यापारिक कंपनी हो, चुपचाप ध्यान व्यापार वाणिज्य में लगाओ, तुम्हें सेना रखने की अनुमति यहां पर हम नहीं दे रहे। और इस तरीके से फ्रांसीसी की शक्ति यहां पर नियंत्रित हो जाती है। उसके पश्चात हम देखें तो यहां पर अंतिम है ना फ्रांसीसियों के पश्चात यहां पर डेनिस आते हैं, और डेनिसों की बात करें तो ये 1774 में पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले डच करेंगे है ना, उसके पश्चात यहां पर है ना यहां पर सबसे लास्ट में देखें तो फ्रांसीसियों के बाद यहां पर आपके डेनिस करेंगे, 1774 में पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापित करेंगे। और इनकी भी मुख्य दिलचस्पी क्या होगी कि भैया हमें भी शौर्य की प्राप्ति करनी है, तो ये भी शौर्य की प्राप्ति में मुख्य दिलचस्पी दिखाएंगे। लेकिन 1801 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध प्रारंभ होता है, और आप सबको पता है कि जब यूरोप में इन दोनों के मध्य में युद्ध प्रारंभ होगा तो भारत में भी हो जाएगा, इसलिए जब वहां पर अंग्रेजों से युद्ध चल रहा था यूरोप में, परिणामतः भारत में भी इन दोनों के मध्य में संघर्ष प्रारंभ हुआ। और इसी संघर्ष के दौरान पटना की जो डेनिस फैक्ट्री थी इन सभी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। लेकिन 1802 में एक संधि होती है आमिया की संधि, और इस संधि के तहत भारत में जो डेनिसों की डेनमार्कों के स्वामित्व वाले जितने भी क्षेत्र थे इन सभी को इनको पुनः वापस कर दिया जाता है। लेकिन 1845 तक जाते जाते बिहार के सारे डेनिश ठिकाने जो है अंततः अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं, और इस तरीके से डेनिशों की कहानी यहां पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है ना, इस तरीके से समाप्त हो जाती है। और ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है ना, भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं, और यहां पर हमने आज कंप्लीट कर लिया बिहार में यूरोपीय कंपनियों की आगमन है ना, बिहार में यूरोपीय कंपनियों की आगमन। तो आशा करता हूं इससे संबंधित कोई भी डाउट आपके मन मस्तिष्क में नहीं रहा होगा, और जो भी डाउट होगा तो एक आपका डाउट बॉक्स भी बना दूंगा, जो भी आपके मन में प्रश्न होगा आप सभी लोग वहां पर प्रश्न कर लीजिएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर वहां पर दिया जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए है ना। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे है ना, साथ ही साथ अपने रिलेटिव जो भी मित्र है जहां पर भी आप जुड़े हैं सबसे सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो यहां पर आए सबको क्या करना है, लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये परिवार जो है आप लोगों के बलबूते मैंने बनाया है ना, आप लोगों के बिना सहयोग के ये कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता, अपना परिवार बढ़ नहीं सकता, बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए आपके सहयोग की अपेक्षा है और आशा है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं है ना अगली कक्षा के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।